एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट और एसबीआई क्लर्क का मेंस की डेट। तो सबसे पहली चीज है एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट कब आएगा। सो एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आपको दिसंबर में देखने को नहीं मिलने वाला है। एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में ही देखने को मिलेगा, जैसा कि दो साल से एसबीआई का ट्रेंड चलता आ रहा है। तो व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एसबीआई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द ट्रेंड ऑफ एसबीआई वर्सेज द ट्रेंड ऑफ आईबीपीएस। ओके, लेट सपोज आईबीपीएस का कोई भी एग्जाम ले लो, लेट सपोज आईबीपीएस क्लर्क। ओके, सो आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट मान लो आज आया है प्रीलिम्स का, तो उसके 10 डेज बाद आईबीपीएस मेंस के एडमिट कार्ड रिलीज करता है, और उसके जस्ट 10 डेज बाद, अप्रोक्सीमेटली उसके 10 डेज बाद आपकी मेंस की जो डेट होती है। ओके, अब एसबीआई का ट्रेंड क्या है, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एसबीआई। एसबीआई क्या करता है, एसबीआई प्रीलिम्स का रिजल्ट और मेंस का एडमिट कार्ड सेम डेट पे आपका रिलीज करता है। ओके, तो जो प्रीलिम्स का रिजल्ट और मेंस के एडमिट कार्ड से लेके जो आपके मेंस के एग्जाम की डेट होती है उसके बीच में सिर्फ आपको 10 डेज ही मिलते हैं। ओके, अब आप बोलोगे कि हम कैसे विश्वास कर ले, तो सही बात है, आपको किसी के भी कहे हुए पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको एसबीआई क्लर्क के ही एग्जाम का पिछले दो साल का डेटा दूंगी, इससे आपको समझ आ जाएगा कि एसबीआई का क्या ट्रेंड है। तो बात करते हैं 2021 की। 2021 में मेंस की जो डेट थी वो थी 1st ऑफ अक्टूबर, एंड आपका रिजल्ट आया था 21st ऑफ सेप्टेम्बर को। तो आपको कितने दिन मिले, आपको मिले 10 डेज। नाउ 2020 में जो मेंस की डेट थी वो थी 31st ऑफ अक्टूबर, एंड जो प्रीकर्स जो रिजल्ट आया था आपका वो था 20th ऑफ अक्टूबर। तो आपको कितने दिन मिल रहे हैं, आपको 10 डेज ही मिल रहे हैं। तो आपको आईबीपीएस 20 डेज देता है, वेयर इज आपको एसबीआई ओनली 10 डेज ही देता है। नाउ अ प्रैक्टिकल थिंग ऑल्सो आई विल डिस्कस विद यू। अगर आप लोग एक दो साल से तैयारी कर रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि जब एसबीआई का जब भी रिजल्ट आता है तो एसबीआई की जो साइट होती है वो क्रैश हो जाती है, राइट। तो बहुत से एस्पायरेंट्स क्या करते हैं, मैंने भी लास्ट ईयर ये ही किया था, मेरा भी रिजल्ट नहीं खुल रहा था। तो बहुत से एस्पायरेंट्स क्या करते हैं कि वो अपना मेंस का एडमिट कार्ड चेक कर लेते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स का रिजल्ट खुलता नहीं है तो वो अपना मेंस का एडमिट कार्ड चेक कर लेते हैं। तो अगर आपका मेंस का एडमिट कार्ड बना है, इट मींस यू हैव क्वालिफाइड फॉर मेंस। ओके, आप प्री में क्वालिफाई कर ले। अगर आपका मेंस का एडमिट कार्ड नहीं बना है तो ये सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि आप फेल हो गए, राइट। ओके, सो अब ये सब चीजें डिस्कस करने का मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट सिर्फ यही है, जब एसबीआई का आपका रिजल्ट आएगा और आपको दिखेगा कि आपके पास सिर्फ 10 डेज ही हैं, तो आप फिर तब खुद को एक्सक्यूज देना शुरू कर दोगे कि मेरे पास अगर 10 डेज और ज्यादा होते तो मेरी तैयारी में बहुत अच्छे से कर लेता, लेकिन अब मैं क्या करूं। ओके, क्योंकि जो सीए जो करंट अफेयर्स होता है वो आपको 4 to 5 times रिवाइज करना होता है, वो 10 दिन में आप नहीं रट सकते हो। ओके, जो करंट अफेयर्स होता है वो भी एक समझने की चीज होती है, आप उसको जितनी बार पढ़ोगे आपको उसमें उतना ही इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपको वो चीजें लॉन्ग लास्टिंग रिटेन भी रहेंगी। तो जब एसबीआई का रिजल्ट आएगा तो उस टाइम आप खुद को एक्सक्यूजेस देना शुरू कर दोगे, लाइक यू आर डूइंग इन दीज डेज, राइट। अभी भी आप खुद को यही एक्सक्यूज दे रहे हो कि जब मेरा रिजल्ट आएगा तभी मैं पढ़ूंगा। आप खुद के दिमाग में ये चीज बार बार डाल रहे हो कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा मुझे मोटिवेशन नहीं आएगा। इन सब चीजों को करके आप खुद को शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए सेटिस्फाई तो कर रहे हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में देखोगे तो आप ये चीजें करके खुद को कुछ साल बाद आपको रिग्रेट ही होगा। तो अभी भी टाइम है आपके पास, आप ये समझ लो कि आपका आज रिजल्ट आ चुका है और आप क्वालिफाई हो चुके हो। ओके, और आप तैयारी शुरू कर दो। अभी बहुत से लोग बोलेंगे हमें तो अभी भी मोटिवेशन नहीं आ रहा, हम ऐसे कैसे खुद से बोलते। तो आपको अभी भी अगर मोटिवेशन नहीं आ रहा, आप आंखें बंद करो और आप उस दिन को इमेजिन करो कि आप अपना फाइनल रिजल्ट देख रहे हो और वहां पे लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशन, यू आर सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट। आप आंखें बंद करके ये चीज आप इमेजिन करो और देखो आपको पढ़ने के लिए एक अलग ही मोटिवेशन आएगा। आप इमेजिन करो कि आपके सराउंडिंग में आपके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, आपके लविंग वंस बैठे हुए हैं और वो आपको शाबाशी दे रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं, राइट। तो आप ये चीजें इमेजिन करो और खुद को आप जो पागल बना रहे हो वो आप खुद के लिए अच्छी चीजों के लिए आप खुद को पागल बनाओ, आपके दिमाग को पागल बनाओ। तो मैं ये चाहूंगी कि आप लोग आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, और करंट अफेयर्स के लिए यू कैन जॉइन मी ऑन टेलीग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उसकी। उस पर हम डेली करंट अफेयर्स के क्विजेस कर रहे हैं जिससे आपको चीजें रूटीन रह सकती है। ओके, मैं इस बात से टोटली एग्री करती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मोटिवेशन नहीं मिलता पढ़ने के लिए, कभी कभी क्या मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन मैं भी अपने दिमाग को पागल बनाती हूँ कि मुझे पढ़ना चाहिए ना कि मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। तो आई थिंक आप लोग मेरी बात समझ रहे हो और आप लोग आज से ही अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक सेइंग है, वो मैं आपको बोलना चाहूंगी, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और आप लोग आज से ही अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। और जो आपकी मेंस की डेट है वो आपको बताई है कि वो 15th ऑफ जनवरी है, तो आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि सिर्फ आपको 10 डेज ही मिलेंगे और जब 10 डेज रहेंगे तो वो आपको बहुत कम लगने वाले हैं। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, प्लीज स्टार्ट योर स्टडीज नाउ। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।